लाते हो एक घर में बनाते हो उसमें कितना फर्क होता है। और अभी मैं देखो मैं बनाने जा रहा हूँ, हाँ आप ध्यान से देखिए और सीखिए। देखो जितना मैंने बेसन लिया है उसके अंदर हिसाब से ये देसी घी डालता हूँ। ये देसी घी है, ये देसी घी यूज करने से एक उसका टेस्ट एक अलग होता है। ये देखो थोड़ा घी डालिए और थोड़ा ये नया या पानी डालिए। ये देखो थोड़ा गर्म हो ये इतना जितना ज़रूरत है। बाद में इसको मिला दीजिए, मिला अच्छी तरह से मिलाइए। मिलाने के बाद में इसकी मोगरी बनाइए अच्छी तरह से। उसको हलवाई का काम करता हूँ और इसलिए मैं जानता हूँ। और आप कम से कम ठीक काम सीखा था और मुझे नॉलेज है और मैं भी आपको सिखाना चाहता हूँ। और सीखने के बाद में मेरी मिठाई आपको अच्छी लगे तो आप मुझे धन्यवाद देना। और थोड़ा घी डालो, ध्यान से देखो मैं कैसे बनाता हूँ किसी आप सीखो। और आप सीखने के बाद में मुझे याद करो, कमेंट करो, हाँ कमेंट करो। आप ध्यान से देखो कैसे बनाया जाता है। हाँ मैं आप सबको सिखाना चाहता हूँ। मेरे विचार अलग है, देखिए और ध्यान लगाइए। अगर कोई फर्क हो तो मुझे सेकने के लिए तैयार कर दिया। अभी इसको घी में सेकेंगे, मतलब देखो किस तरह से बनना चाहिए। ये देखो ये सब एक तरीका हो गया। ये देखो अभी इसे घी में सेकेंगे। अभी इसमें थोड़ा घी डालेंगे, इसके अंदर घी डालेंगे जितना जरूरत होगी उतना ही डालिए। और बाद में इसको सेकेंगे। अभी इसको डालो, ये इसको धीरे 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 इसको सेकना। और ये देसी घी देखो सब लोग यूज नहीं करते हैं, ये गाय का घी है। इसी तरह बनाइए और धीमे धीमे और कम आँच रखिए, ज़्यादा आज काम का नहीं है। और धीरे 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 इसको हमने कम आँच से सेको। टेम्परेचर की क्षति कॉन्टेंट कीजिए, देखो अच्छी जब घर में बना के देखो मैं कैसे बनाता हूँ। आप ध्यान से देखिए, एक घर में बनाने का तरीका अलग होता है। एक काम गाँव भी मैं गया और मैंने कुछ कोई आइटम बनाई बताई, वो कैसे मैं सिखाऊंगा बताओ। तो जितना बेचना है उतनी शक्कर डालो। अभी आधा किलो बेचना है तो आधा किलो में आधा किलो शक्कर डालो। जितना बेसन है उतनी शक्कर डालो। और इसके अंदर पानी जितना जरूरत है उतना ही डालो। और ये कितना डालो देखो सब वो शक्कर डूब सके, बस कितने ज़्यादा नहीं डालना। डालने के बाद में इसको भी हिलाते रहो। तो विटामिन कलर होना चाहिए इसका। ये सेक किया, विदा कलर हो गया एकदम। एक है वो देखो किस तरीके से, ये देखो जो मध की जो छेद होती है किस तरह होनी चाहिए। ये देखो ऐसे जरा हाथ लगा के देखिए, ऐसे तार बनता है, एक दो तार बनता है तो समझोगे बन गई। अभी इसके बाद में ये जो केसरी कलर है, ये केसरी कलर है
जितनी जरूरत है उतना ही डालिए। हाँ, कैसा हमें कलर पसंद है उतना ही डालिए। फिर आप देखिए, इसको मिलाइए। हाँ, ये देखिए आप, ये सेका हुआ है, इसके अंदर डालिए। ये देखो डाल दिया। बस हिलाते रहिए धीरे 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 इसको। देखो धीरे 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 घट हो रहा है, एकदम वहाँ घट होने के लगाए। देखो ये जो सकी बनेगी ऐसी टेस्ट आपने कभी देखा नहीं होगा। ऐसा टेस्ट आप समझोगे कि ऐसी सकी तो हमने कभी खाई नहीं। हाँ, ऐसा टेस्ट तो कभी देखा ही नहीं। हाँ, हमको मेरे तरीके से मैं बनाता हूँ। मैं किसी को देख करके नहीं बनाता, किसी को देख करके नहीं सीखा। मैं मेरे दिमाग से सीखा हूँ, मेरे दिमाग से कोई करता हो। हाँ, मेरे तरीके से मैं कोई भी बनाता हूँ। मेरे को क्या अच्छा लगता है, इसके इसमें थोड़ा घी लगाइए, थोड़ा घी लगाओ, थाली में ले लो, इसको ठंडा कर लो, थाली में ले लो। ले लिया, अभी इसको ये रख दो। देखिए इस तरीके से एक सिर क्या बना दो। साइड में ये देखो, अभी इसमें ये बादाम की सूरी है, बादाम और इलायची मिला के ये सूरी इसके ऊपर लगा दो, बनाना है इसको। थोड़ा दबा दो इस तरीके से, दबाओ। हम रोज़ बना के खाते हैं और आज ये नहीं है, नई तरीके से बनाया है और हमने खाया है। हाँ, वो बोलोगे सकी ऐसी होती है। अभी इसको कट करना है, देखो एकदम मीडियम साइज, धीरे धीरे धीरे, साइज नहीं छोटी और नहीं बड़ी, धीरे 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 ऐसे इस तरीके से। देखो धीरे धीरे ये देखो इस तरीके से एकदम, देखने में भी अच्छी होगी और खाने में भी अच्छी होगी। और आप मुझे याद करोगे कि हमको सिखाया है, ये तो पूरी दुनिया बनाती है, पूरी दुनिया सिखाती है। और मैंने और गुजराती में बहुत ताल कहते हैं। अभी देखो, अभी मैं इसको ये देखो इस तरह